For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. 2 साल के लीप के साथ ही सीरियल तू सूरज में सांझ पियाजी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां पर दिया और बाती एक दूसरे से अलग हो गए हैं। और जब दिया और बाती अलग हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा होता है। इन दोनों की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब उमा और कनक दोनों की जिंदगी मानो खुद से ही रूठ गई हो। दोनों को ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। उमा ने किसी मजबूरी के चलते मीरा से कर ली है शादी, बट अभी तक मीरा के साथ उसका दिल का रिश्ता नहीं बन पाया है क्योंकि हमेशा से उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ कनक बसी हुई है। आपको बता दें कि कनक भी ये सब देखकर टूट गई है। हालांकि इन 2 सालों में जिस तरह से उमा बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, ठीक वैसे ही कनक ने भी अपनी जिम्मेदारियां उठा ली हैं। कनक एक बहुत बड़ी सरकारी अधिकारी बन गई है। ऐसे में दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में प्रोफेशनली काफ़ी हिट और फिट है, बट पर्सनली टूटे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप क्या देखेंगे। इस शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कनक के बारे में पता चल जाएगा मीरा मित्तल को। मीरा जो कि अब उमा की पत्नी है, उसे आज तक उमा ने कभी भी कनक के बारे में नहीं बताया है और न ही ये बताया है कि उमा शादीशुदा था। बट अब जब मीरा के सामने ये सच्चाई आ जाएगी तो वो उमा को तुरंत कॉल करेगी और कहेगी कि फौरन वो उससे मिलने पहुंचे। अब उमा भी घबरा जाएगा मीरा की इस तरह की बात सुनकर, क्योंकि वो अब क्या करेगी ये उमा नहीं जानता है। ऐसे में मीरा के फैसले को देखकर बौखलाया उमा क्या करेगा और मीरा अपने गुस्से को किस तरह से उमा और उसके परिवार पर निकालेगी। शायद इसी बीच 2 साल पहले का वो राज सामने आ जाए जिसकी वजह से उमा ने कनक को छोड़ा है। खैर दोस्तों, बहुत कुछ है इस समय शो में एंटरटेन करने के लिए। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एंटरटेनमेंट की हर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी डोज हम पहुँचा सकें आप तक। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.